तो कैसे हैं आप? मैं पद्मा रिपोर्टर लाइव फ्रॉम कल्याणी हूँ। हमारी 5 खबरें बैक टू बैक हम अभी आपको सुनाएंगे। तो पहली खबर हमारी इस प्रकार, खड़ी साइकिल के चक्के चोरी, बताया जा रहा है कि जैक लगा के की गई है चोरी। दूसरी खबर हमारी इस प्रकार, लॉकडाउन में औरतों में गुस्सों का रोष, पूछा गया तो बताया जा रहा है कि चुगली नहीं कर पा रही हैं वो, तो इस प्रकार उनमें बहुत गुस्सा आया। तीसरी न्यूज़ हमारी इस प्रकार, मच्छरों ने किया जागरण, जागरण में 3% मच्छर हुए संक्रमित, उनकी रिपोर्ट आई नेगेटिव, जिन जिन लोगों को उन्होंने काटा उन लोगों की भी रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो चौथी खबर हमारी इस प्रकार, इस लॉकडाउन में बड़ी जनसंख्या, रिपोर्ट के अनुसार 50% लोगों ने जनसंख्या बढ़ाई, हमारे मुताबिक आप भी कहीं बढ़ा तो नहीं रहे। अच्छी खबर हमारी इस प्रकार, नमस्कार, मेरी लव यू मेरी जान। ओफ, आज की लड़ाई जा रही है ना, गर्लफ्रेंड यही बुला ले, शादी करवा दूं, लॉकडाउन में फायदा उठाए हो। सर 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 सर, वो मैं दोस्त से बात कर रहा था। तो हमने कौन से बोलो, कुत्तों को पप्पी दे रहे थे तू। दोस्ती है ना, कि कुछ हो रही है, फोन वापस खोलना आनी चाहिए। ऐसा न करो, नाम निशान लगा रखा, शादी कर रहे हो। तो देखिए, अपने हमारे छतरी मैन का भी कमाल देख ही लिया होगा, पूरा सच्चा प्यार चल रहा लॉकडाउन में। न्यूज हमारी इस प्रकार, पत्नी ने किया केस पति पे, किया बोला कि हमें किया जा रहा है प्रताड़ित। तो पूरी खबर हमारे संवाददाता रजत के पास चलते हैं। आओ आपको हम न्यूज दिखाते हैं शराबी की दास्तान। आपकी पत्नी क्या कहना चाहते हो? ना कुछ ना कहा जाओ, तुम पहले अपनी अपनी बोतल लेकर आओ, मेरे बोतल में ना पीओ, जाओ यहाँ से। क्या जो कुछ कह दूँ किसी के पे? अब क्या कहना चाहते हो आपकी? अरे मेरी बात ना, मैं ना बैठू पहले, तुम मैं सबूत चाहिए, वो मेरी पत्नी है, किसी और की है, वो शर्मा की बता रही है। भाई पानी पूछती है, भाई ने मेरे घुमा के चाटू मार दो, बताओ तभी मैं हंस के ले लई, हंस के ले लई मैंने, मुझे कुछ फर्क ना पड़ो, ठीक है, मुझे कुछ फर्क ना पड़ो भैया, फिर मैं करो भाई किसी ने मुक्का मार दो, मैं बेहोश होगा भैया, मैं बेहोश होगा, मैं बेहोश जाम ने लगा लो भैया, ना ना दारू ना पीते हैं जो बच्चों, मैं पहले मुझे बताओ बच्चों काय को रख दो काम पे, तुम बताओ बच्चों ना, वो 20 साल को है। ना मुद्दे पे आओ, तुमने बटुआ से पैसा क्यों चुराए? बटुआ भैया, बटुआ में पैसा थे मेरी बीवी के, ना तो मेरे थे, मैं कमा के लाओ मेरी बीवी में से, मैं तो चोरी कर ना, वो कहते तुम काम ना करते, तुम ऐसे ही लन ले हो, तुम वहाँ के पैसों पे जी रहे हो भैया, वो नागिन है, मैं बताऊँ वो नागिन है, वो तुम बच के रही हो, तुम्हें भी डस लेगी वो, बताओ तुम पैक पियोगे? ना जी हम ना पीते, कोई ना मैं पी लो, आप बताओ क्या बात है? वो कह रही है तुम सारे पैसा राशन के से दारू लिया है। अरे राशन तो भिखारी भी खाते है, दारू पियो दारू, मोदी मेरा भाई। तो दारू में क्या रखो ऐसे दारू पी के देखो, तुम पता चले तुम्हें तुम दूध पीते हो यार। आपकी बीवी ने जो आपके ऊपर पैसे चुराने के कानून लगाए हैं, वो क्या कहना चाहते हो? चोर है वो, चोर, मैं वहां पे केस करना चाहता हूँ, वो चोर है भैया, मैं ना हूँ चोर। तुम सारे पैसों से दारू ले आए, वो क्या कहोगे? जो राशन के पैसे रखे थे मैंने चुपका के आटे के कट्टा, तो राशन कैसे खाओगे? अरे राशन, फिर राशन, राशन तो कुत्ते भी खाती है, अब आके दारू भी लाए क्या, दारू पियो तुम। आपका रजत शर्मा, अब आपको आगे की न्यूज पद्मा रिपोर्टर काली न्यूज से देंगे आपको।
तो आपने सुना ही हमारे रजत शर्मा संवाददाता से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। सर जी बंदी का तो नया है ओ यार। तो अभी 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 हमारे विशेष सूत्रों से हमें पता चला है कि जो हमने पिछली बार न्यूज़ सुनाई थी, जो एक व्यक्ति जिसकी लापरवाही की वजह से दूसरे व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जी हाँ जिसे मृत बताया गया था, जी हाँ वे अभी जिंदा है। हाँ जी यही ब्रेकिंग न्यूज़ है, वे अभी जिंदा है। हमारे विशेष सूत्रों ने अभी ये भी बताया है कि उस बंदी जिसको मृत बताया गया था उसका नाम कलवा है, कलवा, जी हाँ कलवा, और जिसकी वजह से लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की जान जान जाते जाते बची है, उसका नाम है बिल्लू। पहले हमने आपको मृत बताया था, वो व्यक्ति मृत था, तो ये गलती तो इंसान से ही होती है। हम कौन से मुजरा करने वाले टिकटॉकर हैं, हमसे तो गलती होती है, हम इंसान हैं, टिकटॉकर थोड़ी ना। तो चलिए ओए तू ही हलवा, ओ हलवा तू ही, तू ही हलवा, ओ फो सर हलवा क्यों, आटा देते, सूजी बोल देते, बेसक दुनिया बोल देते, मेरी माँ ने मेरा पहले नाम खराब कर रखा है कलवा, और आपने उसको और बना दिया हलवा, उसमें तो हलवा ही लिखा था। तुम जो बता तो मैं तमीजी नाम की चीज है कि ना, ओए हट ना, ऐसे कोई किसी घर में घुसो है हैं, तुम पहले जो बताओ, हां तुम का जानते हो मेरे भाई के बारे में, चार हलवा फलवा बोल ही जा रहे हो हैं। शुरू से एंड तक की सारी बात बता, इस हफ्ते तेरे साथ क्या क्या हुआ था। सुना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, सोडा लाने को बोले तो ऐसे सोडा तो है भी जी सारा तू बता तू सबाद लोंडे लोंडे सबको। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लाइव लोकेशन पे आ चुके हैं, तो पीछे आप देख ही सकते हैं हम कलवा जी के घर पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, आंखों देखा हाल दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलवा जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कलवा जी के घर पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर बैठे हैं, पूछताछ चल रही है इधर। आपने देखा हमने अभी बातचीत करी इंस्पेक्टर दया से, उन्होंने हमें बताया कि अभी पूछताछ चल रही है, तो आगे की न्यूज हम आपको बाद में बताएंगे इनकी पूछताछ होने के बाद। सर मुझे पूरे बिल्लू पे डाउट है, क्योंकि आखिरी पार्टी हमने उसके साथ की थी। बिल्लू आना तो हाँ, पर सब तो कल तेरी दोस्त है ना। हाँ जी सर, जल्दी बता सच क्या हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे जल्दी बता, नहीं बता ना, बता दो सर, बता दो जल्दी, बता फिर बता दो सर, सब सब सच बता दो सर। मुझे पार्टी करने का बहुत दूर था सर, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। कल बार सब तो बैल गए, जान मुझ की दरवाजा बंद करा। हाँ सर, मैंने जान मुझ की दरवाजा बंद करा, लेकिन सब तुम ही मेरे साथ ही था, हम दोनों ने मिलके वो बजा किसके साथ करा। हाल है तुम्हारा, हाल चाल दिख ना रो है, हाल चाल ना जो का है का ड्रामा लगा रखो है ना, कभी भी तुम घर में आ जाते हो, कभी भी घर में आ जाते हो, और कभी भी तुम किसी को भी उठा कर ले आते हो, तो कानून को डरना है का? कानून जिंदो कानून बैठो है जो एक एक लठ में सबको चूटता हुआ है, जो लटका है तू भी चूटे लो। आवाज है मुद्रे पे, तेरे बिल्लू ने तो बता दी मुझे सारी का,
अब तू बता कैसे बताएगा, जब लट से बताएगा कैसे बताएगा? कलवा और बिल्लू की बात तो तुमने सुन ली, अब तुम्हें मैं बताता हूँ असली बात क्या है। उस दिन हम तीनों पार्टी कर रहे थे, पर पार्टी हम तीनों नहीं वो दो ही कर रहे थे। पर गम में भाको भी ना हो तो, पर गम में भाको तो जिस दिन उन्होंने मेरी फोटो वायरल करी थी उसी दिन मेरे अंदर बदले की आग जल गई थी। फिर मैंने उसी दिन सोच लिया बदला लेना है तो लेना है। उस दिन कलवा और बिल्लू नशे की हालत में थे तो मैंने उनके पैक में जमाल घोटा मिला दिया था। तो आपको पता ही लग चुका होगा कि इस पूरी साजिश के पीछे असली मुजरिम कौन था। सत्तू जो पकड़ा गया लास्ट में उसने सब बता ही दिया। तो इसी के साथ काल्या न्यूज चैनल आपसे विदा लेता है, और खबरों के लिए बने रहिए काल्या न्यूज। हे गाइस, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत लगाई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और रजाई की तरह फैला दो। रजाई नहीं है, चादर की तरह उड़ा दो। और ना हो बिछानी है, मेरा मतलब है सारी जगह फैला दो, सबके सब देखें इसको।